हेलो व्यूअर्स, दिस शांत एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज़ ऑसम। तो देखिए, ये एक प्री ऑलरेडी एग्जिस्टेड लोड बियरिंग वॉल पे इसका स्लैब का लोड आ रहा था। तो जब ओनर चाहते कि इसका और एक फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते, तो उसको किस तरह से बनाया गया है। एंड दिस इज़ वेरी एजुकेशनल वीडियो फॉर एनी वन जो भी नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टेड घर है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अगर आपके पास ऑफसेट एरिया है। तो पूरा डिटेल आपको बता दूंगा, बने रहिए वीडियो में अंत तक, और जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को। एंड कैसे लगा वीडियो ज़रूर बता देना। एंड इसमें अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। कितना डीप लिए हैं कॉलम के अंदर, कॉलम के लिए ग्राउंड के अंदर कितना डीप लिया गया, और बीच में भी कॉलम्स हैं। इसी तरह से हर एक जगह, जैसे यहाँ पे कॉर्नर, उधर भी बाहर लिया गया सपोर्टिंग फॉर फर्स्ट स्लैब, और एक पुराना स्लैब और नया स्लैब किस तरह से जॉइन किया जाता है वो भी पूछ लेते हैं ओनर से इन नेक्स्ट वीडियो। बट फिलहाल आपको डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, एक प्री एग्जिस्टेड था, इसको क्या करें, यहाँ पर सेपरेट टैंक आया था। ये पहला ऑलरेडी दीवार था यहाँ पे, तो इनका चाहत था कि और एक फर्स्ट फ्लोर बनाया जा सके। फर्स्ट फ्लोर के यहाँ तक वर्किंग हो रहा है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे इस पर दिखेगा। एंड जितने भी कॉलम्स आप देखे हैं ना, जितने पूरे में सराउंडिंग कॉलम्स, वो क्या है, दीवार के बाहर है। इनका पहला वाला दीवार जो है यहाँ पे था, उसके पीछे, दीवार के पीछे जो है कॉलम लिया गया। एंड वो जो कॉलम्स है बीच में, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इन दोनों कॉलम को क्या है, पूरा नीचे से ही लिया गया। उसको भी मैं बता दूंगा, फ़िलहाल अभी कॉलम और बीम के बारे में बता दूंगा किस तरह से लिया गया। तो मान लीजिए एक कॉलम है, इस कॉलम को फर्स्ट क्या करें, यहाँ पर आपका दीवार था। तो देखिए, इस दीवार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ क्या है, बार से इसका सपोर्टिंग है इस तरह का। फर्स्ट आपको ड्राइंग दिखा दूँगा। तो ये आपका कॉलम 9x15 इंच का कॉलम है, यहाँ से 2 फीट सेंटर पॉइंट से बता रहा हूँ मैं, सेंटर पॉइंट से इधर 2 फीट या फिर 2.5 फीट ले लीजिए, इधर इस सेंटर से भी आप ले सकते हैं 2.5 फीट तक, तो टोटल बन गए 5 फीट। ओके, सेम इसी तरह इधर क्या है, पूरा इसका आउटर फेस ऑफ दिस वॉल से लेके यहाँ तक जो है 4 फीट, जितना आपका ऑफसेट एरिया रहेगा वहाँ तक आप ले सकते हैं। अगर आपका ऑफसेट एरिया 3 फीट है तो 3 फीट तक लीजिए। तो इस टाइप का बिल्डिंग बनाना है तो आपको कंपलसरी ऑफसेट एरिया छोड़े तो ही इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। कम से कम 2 फीट या फिर 2.5 फीट तो जगह चाहिए। तो इन ऑलरेडी पहले भी क्या है, छोड़े थे जगह, तो उसकी वजह से क्या है किया गया। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ आपका सेंटर पॉइंट से पूरा यहाँ तक एक्सकेवेट किया गया सॉइल एक्सकेवेशन के लिए। फिर ये सेंटर से लेके यहाँ तक करीब इधर से एक 2.5 फीट या फिर 2 फीट, यहाँ से भी 2.5 फीट 2 फीट आप ले सकते हैं। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड पत्थर से, ये नए पत्थर्स पूरा यहाँ तक है दोस्तों। तो करीब एक 5 फीट का एक्सकेवेट किया है टोटल में। तो सेंटर पॉइंट से 2.5 फीट राइट और लेफ्ट में जो है टोटल 2.5 फीट प्लस 2.5 फीट बन जाएगा आपका 5 फीट। एंड ऐसे में जो है, अगर वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ब्रेथ में जो है अराउंड जितना ऑफसेट एरिया, तो नॉर्मली अब मैं देखा तो ये लग रहा है 3.5 से 4 फीट ऑफसेट एरिया है, 3.5 से 3 फीट तक। तो उतना एक्सकेवेट किया, पूरा एक्सकेवेट करने के बाद जितना आपका ज़मीन लेवल रहता है ना, ये 0 लेवल ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल से ये उसमें ये कंसिडर नहीं आता है, उससे 0 लेवल से क्या है, कितना डीप बोले तो अराउंड 4 फीट या फिर जहाँ तक आपका हार्ड स्टार्टर लगता है ना वहाँ तक, उस जस्ट नॉर्मल कॉलम है बस, उन्होंने क्या करें, इसको सपोर्ट दिया गया। सपोर्ट क्या है, इस लोड बियरिंग वॉल का स्लैब जो रहता है ना, स्लैब इसके ऊपर ही है, जस्ट एक्सटेंड किया गया बस, उतना ही वहाँ तक लिया गया। फिर नेक्स्ट आता है बीम,
एक कॉलम हो गया, कॉलम के अंदर जस्ट नॉर्मल 9x15 16 mm का बार का भी डिटेल बताऊंगा अप साइड जाके। और उसके बाद ये जो बीम रहता है ना, बीम पूरा कंटिन्यू लिया गया इसी तरह से। एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जितना भी सराउंडिंग आते हैं ना कॉलम्स उसी तरह, एंड बीच में दो कॉलम्स रहते हैं उसी को भी सिमिलरली उसी तरह से लिया गया लाइक दिस। और स्टेयरकेस के लिए देखिए ओवरहैंगिंग बीम दिया गया स्टेयरकेस के लिए, मतलब एक कॉलम दो कॉलम सपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद वो ओवर हैंग हुआ है उस स्टेयरकेस। और ये बीच में विंडो आया ना, तो विंडो के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटलुक से तो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके लिए। ये क्या है, पूरा इसके ऊपर सपोर्ट है, बीम जो बाहर एक्सटेंड आ गया, एक्सटेंड आके इसका बार्स, ये बीम का जो बार रहता है ना स्लैब को जॉइंट किया स्लैब, और पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्लैब था ना उसके बार और नए बार को क्या है वेल्डिंग किया गया है। वेल्डिंग एंड फार्मूला यूज़ है 48×D, वो एक फार्मूला यूज़ करके आप बना सकते हैं। और घर के अंदर दिखाऊंगा, तो देखिए ये घर के अंदर का कॉलम्स है इस तरह से सेम उधर भी। इसको क्या है, इधर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे इसको भी एक्सकेवेट किया जाता है, दीवार को लग गया, दीवार को लगने के बाद पूरा एक्सकेवेट किया, एक्सकेवेट करके इस तरह से बनाया जाता है। तो उसके अंदर क्या करें, वो कंक्रीट से क्या पूरा ड्रिलिंग मारे, ड्रिलिंग मारने के बाद जितना भी एरिया रहता है ना तो बार्स कट नहीं करें, अंदर के स्लैब का बार और ये जो कंक्रीट का बार रहता है दोनों को जॉइंट किया जाता है, जॉइंट करके जस्ट एक्सटेंड किया गया पूरा ऊपर तक, सेम उसी तरह उसका भी किया जाता है। तो ये हो गया सिंपल सॉल्यूशन। एंड इसके लिए बीम भी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या है ऊपर से हैच बीम दिया गया, अभी आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं जो दिखाया था ना, अभी जस्ट मैंने दिखाया था आपको, नीचे दोनों कॉलम से क्या है जॉइंट किया जाता है, तो उसको क्या है इस तरह से हैच बीम दिया गया ताकि जितना भी लोड आ सके या फिर इन दो कॉलम को सपोर्ट भी चाहिए ना, तो इस तरह से सपोर्ट दिया गया। और यहाँ पे अभी आपको देखे तो लग जाएगा कि इन बिटवीन आया है, तो कोई इन बिटवीन नहीं है दोस्तों, इसमें कैसे भी एक बेडरूम का या फिर कौन सा दीवार आ सकता है, वो दीवार के साइज़ मतलब 9 इंच है ना, तो दीवार में क्या है वो छुप जाएगा ये बीम भी, तो इस तरह का। एंड अपसाइड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड इसका भी और एक बता दूंगा आपको मैं, और ये क्या है आपका पहला वाला, ये क्या है आपका पहला वाला दीवार था, इस दीवार के ऊपर खाली छत का ही वज़न है, छत मतलब जो नॉर्मली पहले से जो वज़न था वही वज़न है, और बाकी का अभी जो नया रहता है ना, नया जैसा इस दीवार है, इस दीवार का लोड जो है इस पे है दोस्तों, इस बीम के है, बीम का लोड क्या है सीधा कॉलम पे आ रहा है, ये बता दूँगा, दीवार का लोड बीम पे आ रहा है, बीम का लोड जो है सीधा कॉलम से क्या है सब स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड में ही चले जा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अपने घर में इस तरह का, अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रेस करना है तो इस तरह का बिना कोई डर से आप कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे यार हम रेज नहीं कर सकते, डर जाते हैं ना, डर लगता है करना या नहीं करना, तो अभी मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताया हूँ आप भी कर सकते हैं कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट इंजीनियर का गाइडेंस ज़रूर लीजिए इस टाइप बनाने के लिए, सुझाव दीजिए कितना बार यूज़ करना चाहिए, लोड कितना पड़ता है, तो उस तरह का आप भी सुझाव ले सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, एंड कोई डाउट रहा तो पूछ सकते हैं, बार का साइज़ बता दूंगा अभी मैं। इसमें भी क्या है, इस ए टाइप का बार है, इसके अंदर 16 mm का 4 बार है, जो दीवार को अटैच्ड वाला बार, और बीच में जो कॉलम रहता है उसका अलग बार से बार का डिज़ाइन, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इंजीनियर एज वेल एज हाउस ओनर का भी मैक्सिमम रोल है इसमें। तो 1, 2, 3, 4 16 mm, एंड बीच में जो 4 आते हैं ना वो 12 mm का इस तरह का। तो ये वाला फिगर जो जिसका कॉलम के बारे में अभी बताया था, ये वाला 16 mm का 4 बार, 1, 2, 3, 4, एंड बाकी का 4 जो है 1, 2, 3, 4 जो है छोटे बार्स। अभी हम देख, ये जो बीच में सेंटर में जो आ रहे हैं ना कॉलम के अंदर बार्स, वो दिखा दूंगा आपको। 1, 2, 3, 4 जो है 16 mm का, एंड 1, 2,
3, 4, 5, 6 जो है 12 mm का। तो जैसे हैच भी मार रहे हैं ना इसके लिए इस तरह का देख सकते हैं आप यहाँ पे, और 1, 2, 3, 4 जो है 16 mm का, एंड बीच में 1, 2 एंड इधर 2 आ रहे हैं उस तरफ भी 2, तो टोटल 10 बार्स बट 4 16 mm 12 mm बार है 6 नॉस। एंड जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो इसके ऊपर कुछ कंकर डाल दीजिए ताकि जब भी बॉन्डिंग ठीक से बैठ सके, वो एक बॉन्डिंग आप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट प्रेजेंटली। कैसा लगा वीडियो जरूर बता दीजिएगा, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल, एंड प्लीज़ डू शेयर फ्रेंड्स बिकॉज बहुत सारे कम व्यूज़ भी आ रहे हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।